नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रीनिवास गडकरी। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज ये नया कुछ करने जा रहा हूँ, या कोशिश है मेरी हर बार की तरह। आज का जो ट्यूटोरियल है वो आपको ही पहचानना है, और उसके बाद में आपको उस तरह से गाना बजाने की या नोटेशन साथ में लिख कर बाद में आप अच्छी तरह से देख कर जब समझ कर सुनेंगे तो मुझे लगता है आपको पता चल जाना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। गाना आप खुद पहचानिए, मैं 3-4-5 बार बजाने वाला हूँ, या फिर शायद मैं साथ में गा भी लूँ पहले और फिर बाद में बजाऊँ। तो देखते हैं आपको कैसा ये अनुभव होता है, वो भी आप शेयर कर सकते हैं। Thank you.
सीखो। ये मैंने मेरी तरफ से कोशिश की। आप इसको इंस्ट्रूमेंटल भी कह सकते हो, या अब आपको पता चल गया होगा कि इसमें जो मैंने नोट्स लगाए हैं या लगे हैं वो ज्यादातर सारे के सारे अगर हम काली एक को सा मानते हैं तो ये जो मध्य सप्तक का ग है वहां से लेकर तार सप्तक के ध तक हमको इतने नोट्स इस्तेमाल करने हैं। तो वो क्या है, अब गाना भी एक बार मैं आपको थोड़ा सा गाकर सुना रहा हूं। Thank you.
कोशिश की। नोटेशन आपको पता करने हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो ये
तो दोस्तों आपने देखा कि ये गाना मैंने बहुत ही स्लो बजाया है, सिर्फ रिदम के साथ, रिदम के बिना। तो आपको ये पता चला होगा, पता चलना चाहिए। बने रहिए, जुड़े रहिए श्रीनिवास गडकरी के साथ। अब मुझे आज्ञा दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। श्री रणछोड़ राय की जय, भारत माता की जय। अस्तु।